जीशान और सिकंदर कल रहीम चाचा की परीक्षा में सफल रहे। इस परीक्षा में रहीम चाचा ने उनसे अस्थियों, पेशियों और शरीर के विभिन्न अंगों के चलन से संबंधित प्रश्न पूछे थे। आज विद्यालय में जीशान के मन में ख्याल आया, मनुष्यों के अलावा बहुत से जीव भी तो चलते फिरते हैं। उनमें से कई जीवों का गति में आना मनुष्य से अलग होता है, शायद इसलिए क्योंकि उनके अंगों की संरचना मनुष्यों से अलग होती है। जीशान अपने विचार सिकंदर को बताता है ताकि इस बात पर अच्छे से चर्चा करी जाए। सिकंदर ने कहा, क्यों ना रविवार को चिड़ियाघर की सैर करी जाए। दोनों ने इस बारे में विद्यालय के पुस्तकालय में भी अध्ययन किया। आखिर रविवार के दिन दोनों चिड़ियाघर पहुंच गए, जहां भिन्न प्रकार के जानवरों को देखने का मौका मिला। सबसे पहले वे सांपों के बाड़े के पास पहुंचे। वो देखो सिकंदर, वो अजगर कैसे धीरे धीरे आगे की ओर सरक रहा है। हाँ, जैसे कि मैंने पढ़ा था, यह अंग्रेजी के सा या एस अक्षर की तरह अपने शरीर से वलय बनाता है और पिछले वाले वलय से आगे के शरीर को धक्का देता है। वास्तव में यह केवल उस स्थान पर धक्का देता है जहाँ उसका शरीर मुड़ता है। मजे की बात यह है कि एक तरफ के धक्का देने से यह सांप बाईं तरफ आगे मुड़ता है और फिर इसे दूसरी तरफ से भी वैसे ही धक्का लगाना पड़ता है, तब यह दाईं ओर मुड़ पाता है। ऐसे करते हुए वह आगे की तरफ बढ़ता है। अच्छा, इसलिए सांप चलते हुए अंग्रेजी के एस जैसे निशान बना देता है। काफी रोचक बात है। अरे, वहाँ एक शुतुरमुर्ग दिखाई दे रहा है, चलो उसे देखने चलते हैं। वाह, ये कितना बड़ा पक्षी है। मैंने आज तक शुतुरमुर्ग सिर्फ किताबों में ही देखा था। पता है, ये उड़ नहीं सकता। हाँ, और जानते हो, एक शुतुरमुर्ग इतनी जोर से लात मार सकता है कि अगर सर पे लग जाए तो जान ही चली जाए। यहाँ शुतुरमुर्ग के बारे में यह भी लिखा है कि यह दो पैरों पर दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज प्राणी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज दौड़ सकता है। क्या, ये सच में शानदार जीव है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जीशान, बत्तखें, ये जल, स्थल, आसमान और इधर से उधर कहीं भी जा सकती हैं, यानी गति में आ सकती हैं। ये चलती भी हैं, तैरती भी हैं, उड़ती भी हैं और मजेदार गोते भी लगा लेती हैं। ये तो पक्षियों की सुपरमैन है। ये देखो, यहाँ लिखा है बतख के पंजों में झिल्लियाँ होती हैं, जो इनके तैरने में सहायता करती हैं। लेकिन इन झिल्लियों की वजह से ये जमीन पर ज्यादा तेजी से चल नहीं पाती। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। वैसे सिकंदर, मेरे घर पर भी कोई है जो चल सकता है, तैर सकता है और उड़ सकता है। कौन? तिलचट्टा। तिलचट्टा ये तीनों काम कर सकता है। तिलचट्टे के 6 पैर होते हैं। उसकी पेशियाँ उसे तेजी से चलने में मदद करती हैं। ये पेशियाँ इतनी ताकतवर होती हैं कि तिलचट्टा आसानी से दीवारों पर चढ़ जाता है। उसके पंख भी होते हैं जो कि उसे कुछ समय तक उड़ान भरने में सक्षम बनाते हैं। छी, तिलचट्टा कितना अजीब और डरावना होता है। चलो कोई और शानदार जानवर देखते हैं, क्यों ना मछली घर चलें? जीशान, मछलियों की संरचना हमसे बहुत अलग होती है। इनकी पसली पंजर ही मुख्यतः शरीर का आधारभूत ढांचा होता है और हाथ पैरों की बजाय इनके हल्के हल्के पंख होते हैं। हाँ, इनके शरीर की ऐसी संरचना की वजह से पानी आसानी से इनके आसपास से होकर बह जाता है। इनके चपटे पंख और पूंछ दिशा बदलने और तैरने में सहायता करते हैं। क्या तुमने पनडुब्बियों की तस्वीरें नहीं देखी? उनकी आकृति भी तो ऐसी ही होती है, बीच से मोटी और आगे और पीछे से संकरी। सही कहा। वैसे यहाँ मछलियों के अलावा भी कई अद्भुत जीव हैं। ये देखो, समुद्री घोड़ा, जो कि शायद दुनिया का सबसे धीमा तैरने वाला जीव है। और यहाँ है कछुए, जेलीफिश और ऑक्टोपस।
मुझे समुद्री जीवों में सबसे अद्भुत लगता है ऑक्टोपस। जानते हो, उसके हाथ या पैर नहीं बल्कि 8 टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स कहा जाता है इसकी 8 भुजाओं को। ये हमारी जीभ की तरह लचीले होते हैं। ऑक्टोपस के टेंटिकल्स उसे चलने में सहायता करते हैं। उसकी और भी कई खूबियां होती हैं, जैसे कि अरे बस शाम हो गई, जल्दी घर चलो नहीं तो डांट पड़ेगी। मैंने गति के बारे में खूब सीख लिया, अब मैदान में घोड़े की तरह दौड़ूंगा। हाँ, समुद्री घोड़े की तरह।